ऑस्ट्रेलिया की गृह मंत्री कैरन एंड्रयूज ने नोवाक जोकोविच की फैमिली के आरोपों पर पलटवार किया है। कैरन ने कहा है कि नोवाक जोकोविच को कैदी बनाकर नहीं रखा गया है, वो जब चाहे देश छोड़कर वापस सर्बिया लौट सकते हैं। दरअसल नोवाक जोकोविच की मां ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी बेटी के साथ काफी बुरा सलूक हो रहा है, पिछले 24 घंटों में उन्हें कैदी की तरह रखा गया है। जोकोविच की मां ने यह भी कहा कि उनके बेटे को बहुत बुरी जगह रखा गया है, जहां कीड़े और गंदगी है, वहां का खाना भी बहुत बुरा है। ऑस्ट्रेलियन सरकार जोकोविच को किसी बेहतर होटल या किराए के घर में जाने का मौका भी नहीं दे रही है। इस पर अब ऑस्ट्रेलिया की गृह मंत्री कैरन एंड्रयूज का बयान आया है। कैरन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में कैदी की तरह नहीं रखा गया है, वो जब चाहे और जिस टाइम चाहे ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जा सकते हैं। वास्तव में बॉर्डर फोर्सेस उनके लिए काम आसान कर देंगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया है। जोकोविच कोरोना वैक्सीनेशन नियमों में छूट के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सीमा अधिकारियों ने जोकोविच को मिली विशेष मेडिकल छूट की समीक्षा की, जिसके बाद उनका वीजा रद्द कर दिया गया। जोकोविच इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन वीजा रद्द हो गया है तो उन्हें हर हाल में देश छोड़ना होगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी ट्वीट कर जोकोविच का वीजा रद्द होने की जानकारी दी। जोकोविच का वीजा रद्द हो गया है, नियम सबके लिए बराबर है, खासकर जब बॉर्डर की बात आती है। नियम से ऊपर कोई नहीं है। मजबूत बॉर्डर पॉलिसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया में कोविड से मरने वालों का रेट दुनिया में सबसे कम है। हम इसी तरह आगे भी सतर्क रहेंगे। बताते चले कि नोवाक जोकोविच दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन और कुल 20 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। जोकोविच 17 जनवरी से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन अब उम्मीद कम ही है कि वो साल के पहले ग्रैंड स्लैम में खेलते दिखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है अविनाश ने, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, ओपिनियंस, व्यूज, न्यूज सब मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी? खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?